हथौड़े से हथौड़े की शादी किसने करवा दी? सबसे पहले इस खबर की बात करें क्योंकि शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी अनोखी शादी दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी पूछेंगे दूल्हा कहाँ है। दरअसल यहां पर दूल्हे की नहीं बल्कि हथौड़े की शादी करवाई जा रही है। जी हाँ, तस्वीर संगम नंबरी नगरी प्रयागराज की है जिसमें दूल्हे की जगह सजा धजा कर हथौड़े की बारात निकाली जा रही है। लेकिन आप चौंकिए मत, असल में ये परंपरा हर साल निभाई जाती है। होलिका दहन की पूर्व संध्या पर हथौड़े की पूजा कर पूरे विधि विधान से शादी की परंपरा निभाकर शहर भर में बारात निकाली जाती है जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। और इस परंपरा का संदेश संसार की बुराइयों को खत्म करना है। तो हथौड़े की शादी प्रयागराज की तस्वीरें, और ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। और होलिका दहन से पहले ये बारात निकाली जाती है जिसमें लोग शरीक होते हैं। तैयारियां वैसी होती हैं जैसे किसी की इंसान की शादी करवाई जा रही हो। बाराती भी वैसे ही सच कराते हैं। दरअसल यहां पर दूल्हे की नहीं बल्कि हथौड़े की शादी करवाई जा रही है। जी हाँ, तस्वीर संगम नंबरी नगरी प्रयागराज की है जिसमें दूल्हे की जगह सजा धजा कर हथौड़े की बारात निकाली जा रही है। लेकिन आप चौंकिए मत, असल में ये परंपरा हर साल निभाई जाती है। होलिका दहन की पूर्व संध्या पर हथौड़े की पूजा कर पूरे विधि विधान से शादी की परंपरा निभाकर शहर भर में बारात निकाली जाती है जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। और इस परंपरा का संदेश संसार की बुराइयों को खत्म करना है। तो हथौड़े की शादी प्रयागराज की तस्वीरें, और ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। और होलिका दहन से पहले ये बारात निकाली जाती है जिसमें लोग शरीक होते हैं। तैयारियां वैसी होती हैं जैसे किसी की इंसान की शादी करवाई जा रही हो। बाराती भी वैसे ही सच कराते हैं। दरअसल यहां पर दूल्हे की नहीं बल्कि हथौड़े की शादी करवाई जा रही है। जी हाँ, तस्वीर संगम नंबरी नगरी प्रयागराज की है जिसमें दूल्हे की जगह सजा धजा कर हथौड़े की बारात निकाली जा रही है। लेकिन आप चौंकिए मत, असल में ये परंपरा हर साल निभाई जाती है। होलिका दहन की पूर्व संध्या पर हथौड़े की पूजा कर पूरे विधि विधान से शादी की परंपरा निभाकर शहर भर में बारात निकाली जाती है जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। और इस परंपरा का संदेश संसार की बुराइयों को खत्म करना है। तो हथौड़े की शादी प्रयागराज की तस्वीरें, और ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। और होलिका दहन से पहले ये बारात निकाली जाती है जिसमें लोग शरीक होते हैं। तैयारियां वैसी होती हैं जैसे किसी की इंसान की शादी करवाई जा रही हो। बाराती भी वैसे ही सच कराते हैं।